माजोरा स्किल सेंटर ज्वालामुखी दरंग में जनरल ड्यूटी असिस्टेंट की छात्राओं को नौकरी हेतु चयन सूर्य हॉस्पिटल राजा का तालाब जिला कांगड़ा में हुआ, जिसमें 30 छात्राओं को रोजगार हेतु चयनित किया गया। सूर्य हॉस्पिटल के एमडी श्री नीरज जी, हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम के निदेशक श्री मनीष शर्मा जी ने छात्राओं को उनके उज्ज्वल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। माँ ज्वाला स्किल सेंटर के निदेशक नवरत्न गुप्ता और स्टाफ अलीशा गुलेरिया, सुचिता धीमान, वंदना पूनम नीलम को भी हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम के निदेशक मनीष शर्मा जी ने बधाई दी। इस अवसर पर उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत बच्चों को उनके सक्षमता के अनुरूप कोर्स करवाए जा रहे हैं, जिसके लिए वो कोर्स कंप्लीट करवाने के साथ साथ उनको रोजगार हेतु संस्थान में प्लेसमेंट भी करवाई जा रही है। अति हर्ष का विषय है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी द्वारा ये कोरोना काल में भी जो पूरे प्रदेश में जो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत स्किल सेंटर चले हैं, उसमें भिन्न भिन्न जगह जो है वो रोजगार मेलों का आयोजन किया जा रहा है। इसी तहत आज ज्वालामुखी में माँ ज्वाला स्किल सेंटर में यहाँ के सेंटर हेड श्री नवरत्न गुप्ता जी के अथक प्रयासों के द्वारा सूर्य हॉस्पिटल राजा का तालाब से जो वहाँ के हॉस्पिटल के एमडी हैं नीरज जी, वो यहाँ पर आए हुए हैं और जनरल ड्यूटी असिस्टेंट के छात्राओं की आज प्लेसमेंट हो रही है। उज्ज्वल हिमाचल के लिए ज्वालामुखी से पंकज शर्मा की रिपोर्ट।